2018 पर होगा ऐश्वर्या वर्सेस सलमान। फन्नी खान और रेस 3 के साथ आपस में बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे टाइटंस। अब इसे कहते हैं परफेक्ट क्लैश ऑफ टाइटंस, जहां आमने सामने होंगे ऐश्वर्या और सलमान। दोनों साथ साथ ईद 2018 को बॉक्स ऑफिस पर देंगे दस्तक। 8 नवंबर को फिल्म रेस 3 ऑन फ्लोर चली गई। रेस 3 की शूटिंग के पहले दिन सलमान ने ऐसे अपनी टीम को सोशल मीडिया के जरिए इंट्रोड्यूस भी कराया, जिसमें प्रोड्यूसर रमेश तुरानी, साकिब सलीम, बॉबी देओल, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह और डायरेक्टर रेमो डिसूजा नजर आ रहे हैं। सलमान सुपर खान है तो ऐश्वर्या भी किसी से कम नहीं। ऐश्वर्या भी फिल्म फन्ने खान के साथ वापस फिल्मी सेट पर लौट आई हैं। ऐश्वर्या अब काफी सिलेक्टिव फिल्म में करती नजर आती हैं, लेकिन जो करती हैं फिर वो उनके लिए होती है बेहद खास। ऐसे में फिल्म फन्ने खान की शूटिंग ऐश्वर्या ने हाल ही में मुंबई में की, जहाँ लगातार 12 घंटे ऐश्वर्या ने शूट किया। ऐश्वर्या जैसे बिग स्टार को अपनी फिल्म में कास्ट करके एक्साइटेड मेकर्स राकेश ओम प्रकाश मेहरा अब फिल्म को फेस्टिव रिलीज ही देना चाहते हैं, जहां उन्होंने ईद 2018 को चुना है। हालांकि पहले फिल्म फन्ने खान अप्रैल 2018 में आ रही थी, लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया, यानी मैदान अभी से तैयार कर लिया गया है। बॉक्स ऑफिस के दंगल में अपनी अपनी फिल्मों के साथ ईद 2018 को आएंगे ऐश्वर्या और सलमान।